कलकत्ता से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फता, पाऊं मैं उस पर फता, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह, ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह, तेरी आराधना करते होप चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज प्रभु के वचन में से हम एक बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे कि आने वाला वो राजा कौन है, कौन वो ऐसा राज्य है जिसका राज्य सदा स्थापित रहेगा। परमेश्वर के वचन में से अगर आप देखें दूसरा राजा उसका 11 अध्याय 1 से 21 आयत तक, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ है जो बताई जाती है। अहल्या यहूदा की रानी बनी, लेकिन वो बहुत ही क्रूर थी, क्योंकि जब उसने देखा कि उसका बेटा अहज्या मर गया है, तो उसने अहज्या ने सारे जितने भी राजघराने के लोग थे उन सबको मरवा दिया और वो राज करने लगी। लेकिन अहज्या की बहन ने अहज्या के छोटे बेटे युआश को बचा कर रखा और वो उसकी देखभाल करती रही और उसे परमेश्वर के भवन में याजक के हवाले कर दिया, और वो याजक उसकी हर तरह से देखभाल करता था और उसे शिक्षा देता रहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कोई ऐसा राजघराने का बेटा जीवित है। इस प्रकार से 6 साल बीत गए और 6 साल तक उन्होंने उसे परमेश्वर के भवन में छिपा करके रखा। बहुत कम लोग थे जो इस सच्चाई को जानते थे कि ऐसा राजकुमार छिपा करके परमेश्वर के भवन में रखा गया है। समय बीतता गया और वो नौजवान बड़ा होता गया। अब समय आया कि उसे लोगों के सामने लाया जाए, लेकिन ये आसान काम नहीं था, क्योंकि अहल्या अगर जान जाती कि ऐसा राजकुमार जीवित है तो वो उसे अवश्य ही ख़त्म करवा देती, क्योंकि वो खुद रानी बनी हुई थी और उसने सोचा और वो जानती थी कि कैसे वो इसे जो है अपना राज जो है वो चलाना है। 6 साल के बाद जब वो 6 साल का हो गया, तो याजक ये चाहता था कि मैं उसे प्रजा के सामने लाऊं और उनके होने वाले राजकुमार के दर्शन कराऊं। इसके लिए उसने सेनापतियों के साथ मिलकर के बातचीत करी और उन्हें उस बालक के बारे में बताया जिससे उन्होंने 6 साल से बचा करके रखा हुआ था। और जब ये चीज़ उन्हें मालूम पड़ी तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने वादा किया कि वो उस नौजवान राजकुमार की हर तरह से
देखभाल करेंगे। और उन्होंने इसके लिए समय नियुक्त किया कि जब लोग परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए सैबत के दिन आएंगे तो हम इस नौजवान राजकुमार को उनके सामने लाएंगे। और सैबत के दिन जब लोग, सारी प्रजा के लोग परमेश्वर के भवन में आए तो वो उस 6 साल के नौजवान को लेकर, बच्चे को लेकर के, और उन नौजवानों से उसको घेर के रखा था जो उसकी रक्षा कर रहे थे, जिसमें सिपाही और ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ये हमारा राजा बने, वो सब उसके साथ थे। और जब उसको प्रजा के सामने लाया गया तो सब लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने मिल करके उसके सिर पे मुकुट को रख दिया। और जब उन्होंने मुकुट रखा, लोग बड़े खुश हुए, नरसिंगे बजाने लगे और जय जयकार करने लगे। ये शब्द जब रानी अतालिया के कानों में पड़ा तो उसे वाई देखने के लिए उसे बड़ा चंबा हुआ कि ये बात क्या है, क्यों ये शोर हो रहा है, क्यों लोग ये इकट्ठे हुए हैं, इसका कारण क्या है। जब वो जानने के लिए आई तो उसने देखा कि वो वहाँ पे जो वो लड़का है वो बैठा हुआ है और उसके सिर पे ताज है। और जब उसे मालूम पड़ा कि यह अज्या का बेटा है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे सिपाहियों ने घेर लिया और उसे और उसके साथ जो दूसरे लोग थे जो उसके साथ रहते थे, उसके सिपाही थे, उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम जानते हैं कि बहुत जल्द दाऊद के राजघराने का बादशाह स्वर्ग में उठ खड़ा होगा। और जब वो उठ खड़ा होगा, परमेश्वर का वचन साफ कहता है उसमें क्या होगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 14 आयत में अगर आप देखें, प्रभु के वचन में से बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे लिखी गई है। 14 अध्याय और उसकी 14 आयत, इसमें लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पे सोने का मुकुट और हाथ में चौखा हंसुआ है। यहाँ पे हम उस नज़ारे को देखते हैं जब वो दाऊद का बेटा जो है आसमानी बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ बहुत जल्द आएगा और ये उन लोगों को लेने आएगा जो उसकी इंतज़ारी बेसब्री के साथ जो है वो कर रहे हैं। कई बार हमारे दिल में सवाल पैदा होता है, क्या जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसका हम इंतज़ार करते हैं, जिसके बारे में भविष्य के बारे में जिसने पहले से बता दिया, जब वो आएगा तो क्या वो चुपके से आएगा? कौन इन चीज़ों के बारे में जानता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में से 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत को अगर आप निकाल के पढ़ें तो बड़े साफ शब्दों में इसके बारे में वर्णन दिया गया है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 16 आयत, इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसमें ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फोंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में बड़े साफ शब्दों में वर्णन किया गया है कि जब मसीह आएगा तो वह चुपचाप नहीं बल्कि बड़ी ललकार और बड़ी आवाज़ के साथ आएगा और सब लोग जो है उसे देखेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि शायद, या लोग कहते हैं कि शायद मसीह का आना चुपचाप से किसी एक इलाके में होगा, लेकिन ये सच बात नहीं है। जब मसीह आएगा तो उसे सब लोग देखेंगे और बड़ी ध्वनि के साथ, क्योंकि वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत से लोग होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में से देखें कि और कौन सी चीज़ें हैं जो मसीह के आने की साक्षी देती हैं, मसीह के बारे में बताती है कि कब वो आएगा, किस प्रकार से आएगा, कौन सी चीज़ें हैं जो उसे प्रकट करती है। अगर आप प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 18 आयत परमेश्वर के वचन में से पढ़ें, उसमें बड़े साफ शब्दों में इसके बारे में बताया गया है। 16 अध्याय के 18 आयत अगर आप देखें, इसमें लिखा है, फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तब से ऐसा भूकंप ना आया था। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ कहते हैं कि परमेश्वर के आना खामोशी से, चुपकी से, चुपके से बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि गर्जन, बिजलियां, बड़ी आवाज़, ये सब चीज़ें जो है लोगों को सुनाई देगी।
और जब ये चीज़ें सुनाई देगी, ये चुपके से आना बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो राजाओं का राजा, वो दाऊद का बेट घराने का वंश जाएगा, तो उसमें कौन लोग उसे देखेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन में इसमें से पढ़ते हैं, जो पहले से उसके बारे में बताया गया है, पहले से बता दिया गया है कि कौन कौन लोग उसे देखेंगे जब वो आएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 18 आयत अगर आप निकालें, इसमें साफ शब्दों में इसके बारे में वर्णन दिया गया है कि कौन कौन लोग जो हैं जब वो आएगा तो उसे देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब हम इसको पढ़ते हैं इसकी 8 आयत में, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, वो इस प्रकार कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और यहाँ पे साफ शब्दों में आगे चल करके लिखा हुआ है कि हर एक आँख जो है उस प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसे ना देख सके, बल्कि एक ही समय में उसे सब लोग देख सकेंगे। जैसे जब सूरज निकलता है तो हम सब लोग उसे देखते हैं, दिन को वो हमें दिखाई देता है, लेकिन ये तो एक हिस्से में होगा। लेकिन जब परमेश्वर आएगा तो सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखेंगे। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो और उसके साथ कौन होगा। हम देखते हैं कि आज की दुनिया में जब कोई एक छोटा सा नेता भी आता है तो उसके साथ बहुत से लोग होते हैं जो उसके साथ हमेशा चलते हैं। कुछ उसमें उसके बॉडीगार्ड होते हैं, कुछ दूसरे लोग होते हैं। क्या ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर भी होगा? क्या चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है? अगर आप परमेश्वर के वचन को देखो कि कौन कौन उसके साथ होगा, मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसकी 31 आयत अगर आप निकालो, इसमें साफ शब्दों में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यहाँ प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो उद्धारकर्ता आएगा, जो हमें सब कुछ बता करके गया, शिक्षा दे करके गया, तो वह अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ बहुत से स्वर्गदूत होंगे। एक दो नहीं, बल्कि बहुत, सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अपनी महिमा में जब आएगा, थोड़े लोग, कुछ लोगों का कहना यह है कि जब वो आएगा तो शायद वो कुछ लोग ही उसे देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सब लोग उसे देखेंगे, क्योंकि वो अपनी पूरी महिमा के साथ आएगा। पहले जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उसमें उस इलाके के लोगों ने उसे देखा था, लेकिन इस बार जहाँ भी लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ लोग उसका वचन का प्रचार किया गया है और जहाँ जहाँ परमेश्वर के बारे में लोग सीखते हैं, वो सब लोग उस परमेश्वर को आते हुए देखेंगे। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर के वचन में दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उन दुष्टों का क्या हाल होगा। वो लोग जो आज की दुनिया में बुराई करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, और आज ऐसे भी लोग हैं जो कानून की नज़र से बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो छिपे रहते हैं और कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता, उन लोगों का जैसे बुराई करने वाले हैं, गबन करने वाले हैं, उसमें उनका क्या हाल होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत अगर आप निकालें, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जब हम इसको पढ़ते हैं कि तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यहाँ प्रभु का वचन साफ कहता है कि जब वह आएगा तो प्रभु यीशु मसीह का इतना तेज होगा, जलाल होगा, महिमा होगी, रोशनी होगी कि उसे पापी देखते ही साथ क्या होंगे, वो मर जाएंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो चीज़ हमें बताई है इसलिए बताई कि हम उसके आने पर उन सब चीज़ों को देखें। जो चीज़ भविष्यवाणी में दी गई है
वो इसलिए दी गई है कि जब वो घटनाएं घटें तो हम लोग तैयार हों, हम सोते ना रहें, हम जागते रहें, और उन घटनाओं को जब वो हो तो उसको देख करके हम विश्वास करें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जब घटनाएं घटती हैं या ऐसी चीज़ें घटती हैं तो उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में ये सब चीज़ें हमें पहले से बता दी है ताकि जब ये घटनाएं घटने लगे तो हम उन चीज़ों को देख करके जान लें। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जो दूसरे लोग हैं, पृथ्वी के धर्मी हैं, जो दुनिया में होंगे, उन सब के साथ क्या होगा। हम जानते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अधर्मी भी हैं, धर्मी भी है। अभी हमने देखा कि जो अधर्मी लोग हैं वो परमेश्वर के आने पर क्या होंगे, उसके जलाल को, उसकी रोशनी को सह नहीं पाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो प्रभु का वचन जिसके बारे में कहता है कि वो लोग जो प्रभु में सो गए हैं, प्रभु में सोए हुए हैं विश्वास करते हुए, उनके साथ क्या होगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सबसे पहले वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो लोग जीवित किए जाएंगे, और उसके साथ बाकी जो लोग जीवित होंगे वो सब परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है कि वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर उनको लेने आएगा। लेकिन इस बार जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनके पांव धरती पर नहीं लगेंगे, बल्कि प्रभु का वचन साफ कहता है कि हवा में हम उसके साथ मिलेंगे, और जितने भी लोग होंगे, चाहे जो उसमें में परमेश्वर पर विश्वास करते हुए सोए वो, और जिन्होंने विश्वास नहीं करा वो सब उसे देखेंगे। पापी तो पल भर के लिए, लेकिन धर्मी उसको हमेशा तक उसके साथ रहने के लिए जीवित किए जाएंगे और उठा लिए जाएंगे। एक और बड़ी सी चीज़ जो प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 52-53 आयत में अगर आप पढ़ें, इसमें साफ शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अविनाशी अवश्य है कि वो नाशवान दे अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। प्रभु का वचन साफ कहता है जो चीज़ प्रभु ने पहले बताई है ये हमारे विश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मसीह का विश्वास, हर एक मसीह का ये विश्वास है कि यदि वो इस दुनिया से चला भी जाता है, वो सो भी जाता है, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मसीह के आने पर वो ज़रूर अवश्य ही उठाया जाएगा, परमेश्वर उसे उठाएगा और वो स्वर्ग में जाएगा। यही चीज़ है जो सबसे बड़ी मसीह धर्म के अंदर है कि फिर से हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जिसे शैतान ने ये सोचकर इंसान पर डाल दिया कि ये सब कुछ खत्म हो गया। हम जानते हैं शैतान यही चाहता है कि हम पाप करें और हमेशा के लिए नाश हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है कि वो सब मृतक जो प्रभु में होंगे जीवित किए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी हुई है। ये वो इनाम है जो परमेश्वर अपने चाहने वालों को आने पर देगा, और ये सब एक दो के लिए नहीं बड़े बल्कि पूरे संसार के लिए है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और अपने आप को जब हम इस अंधकार की दुनिया में रह रहे हैं, हर तरह की बुराई से, पाप से, गंदगी से और हर तरह की चालों से बचा करके रखते हैं। उसके बाद एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत अगर आप पढ़ो प्रभु के वचन में से, इसमें भी इसके बारे में बड़े अच्छी प्रकार से लिखा हुआ है, और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं इसमें लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और प्रतिदिन हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ जो चीज़ बताई गई है, पहले तो वो लोग हैं जो मरे हुए होंगे वो सब के सब जीवित किए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे, उसके बाद जो जीवित होंगे वो पल भर में, क्षण भर में बदल जाएंगे, और उसके साथ परमेश्वर से मिलने के लिए हम ऐसे ही सामने से हवा में जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद इस बार भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, वो एक इलाके में आएंगे जैसे वो पहले आए थे,
लेकिन ये सत्य नहीं है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि अब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनके पांव इस जमीन पर कभी नहीं लगेंगे। और एक और बड़ी सी चेतावनी है जो परमेश्वर का वचन हमें देना चाहता है। और वो क्या चेतावनी है जो परमेश्वर के वचन में दी गई है? मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी 5 आयत में जब हम देखते हैं, इसमें उस चेतावनी के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन सी चेतावनी है जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है। जब हम इसको पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय उसकी 5 आयत में, इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आज हम देखते हैं कि आपको ऐसे संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो एक दूसरे को भरमाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को ऐसे मार्ग में ले जा रहे हैं जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते। वो लोग खुद भी अंधेरे में हैं और वो हमें भी वैसे ही अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है कि उसमें बहुत से लोग क्या है, अंतिम समय में आएंगे और भरमाएंगे। हमें उन भरमाने वालों से और ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं, पहले चेतावनी दी। और क्यों चेतावनी दी? ताकि हम लोग उन चीज़ों से जो आने वाली हैं पहले से होशियार रहें और हम उनके चुंगल में ना फंस जाएं। यहाँ जो चीज़ परमेश्वर का वचन हमें कहता है, आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी शिक्षाओं में फंस गए हैं जहाँ जादू टोना और दुनिया की दूसरी चीज़ें जो शैतानी शक्तियों के ऊपर काम करती है, लोग उनमें फंसते जा रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि हमें भी अंधकार में डाल दें। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिदिन नया धर्म आपको सुनाई देगा, नए विचारों वाले लोग आपको नजर आएंगे जो आपको उन रास्तों में ले जाना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको नजर आएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, और ऐसे ऐसे काम वो दिखाएंगे कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जो इन सबको, इन कामों को, अद्भुत कामों को कर रही है। लेकिन हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि शैतान अंतिम दिनों में ये सब काम करेगा। शैतान चाहता है कि हम लोग भटके रहें, हम लोग अंधकार की शक्तियों के बस में पड़ जाएं और वह हमें नाश कर दे। बहुत बार आपने देखा कि शैतान ने ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, उनको परमेश्वर की शिक्षा में उन्होंने जीवन बिता दिया, लेकिन अंतिम समय में वो प्रभु से दूर हो गए। शैतान इंसान के मन में शक पैदा करता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर है या नहीं। ऐसे बहुत से लोगों से हमारी प्रतिदिन मुलाकात होगी जो आपको यही कहेंगे कि परमेश्वर तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक लोगों ने बिजनेस बना रखा है। लेकिन सचमुच में परमेश्वर है, उसने भविष्यवाणी दी है, और जब वो चीज़ें हमारे सामने पूरी होती हैं, घटित होती हैं, तो उसके द्वारा हम जान जाते हैं कि सचमुच में परमेश्वर है। जो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में दी गई है, जिन चीज़ों को हमने सीखा है और हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, और जो गहराइयाँ इसके अंदर है, वो संसार में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जब हम इनको खोजते हैं तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। और परमेश्वर का वचन एक और चीज़ के बारे में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज हम देखते हैं, आपको न्यूज़पेपर में, टीवी पर रोज़ वो चीज़ें नजर आएगी, लोग भविष्यवाणी करते हैं भविष्य के बारे में कि ऐसा होने वाला है। और कई बार हम देखते हैं वो डेट तक दे देते हैं कि फलानी तारीख को इस डेट को ये काम होगा, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो वो लोग जो उनके पीछे लगे होते हैं या उनके साथ चलते हैं या उनकी बातों को मानते हैं, उन लोगों को निराश होना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं, प्रभु का वचन साफ हमें बताता है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो चीज़ मेरे और आपके लिए दी गई है, पूरे संसार के लिए दी गई है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी भी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अंदर है, पवित्र शास्त्र के अंदर दी गई है, वो मेरे और आपके लिए है। और हम देखते हैं कि जो चीज़ पहले कही गई वो पूरी हुई, और अभी भी जो चीज़ें परमेश्वर के वचन में दी गई है वो भी सब की सब उसी प्रकार से पूरी होने वाली है। बहुत जल्द ये सब चीज़ें जो है आने वाली है। एक और बड़ी सी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मसीह आएगा उस समय को कौन जानता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या परमेश्वर के आने के समय को कोई जानता है? कोई भी मनुष्य ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं उस समय को जानता हूं। परमेश्वर ने बता रखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी अगर आप 26 आयत निकालो, इसमें लिखा है उन दिनों के, बहुत प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है,
जब हम इसको पढ़ते हैं 26 आयत में, इसमें वो कहता है, देखो यदि मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकलना, देखो वो कोठरियों में विश्वास ना करना। और उस समय के बारे में प्रभु का वचन साफ कहता है कि उस समय के बारे में, उसके आने के बारे में कोई भी, सिर्फ ना दूत ना बेटा, सिर्फ पिता उसके आने के बारे में जानता है। आइए अब हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान हमारे सच्चे और जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस मैं के लिए, इस सच्चे वचन के लिए, तेरी योजना के लिए जो तूने हम पापी इंसानों के लिए बनाई। कि स्वर्ग पिता, हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें जब तू बहुत जल्द आसमानी बादलों पर आने वाला है। हम जानते उस मैं को कोई नहीं जानता, लेकिन तेरी जो तूने पहले से भविष्यवाणी की वो पूरी हो चुकी है, और वो हमें बताती है कि तू बहुत जल्द आ रहा है। हमें तैयार रख कि हम सब भाई बहन तेरे राज्य में प्रवेश पाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन।